तारों को जो तोड़ तोड़ के तेरे पैरों में बांधा था, वो पायल मेरे माँ के थे, बस उसको वापस देते जाना। मेरा पहला तजुर्बा ये रहा आज से 3 साल पहले कि मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो ऐसे लोग मुझे मिले थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गया था, और मैं जहां भी इवेंट करने जाता था मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढता था जो सिर्फ वाह वाह ना करे बाकी शांति से सुने। और आज बहुत दिनों के बाद ऐसा माहौल मुझे मिला, इतनी शांति मिली है। और मैं लिखने के मामले में बहुत छोटा हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ भैया लोगों से, आप सभी से सीखता हूँ। और मेरी लाइनें में हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ भी, तो उसे माफ़ करिएगा, मेरे ख्याल पे जाइएगा कि पढ़ता हूँ कि तुम जब भी मेरे रास्ते जाना, मेरा मुझको सब देते जाना, वो सारा जो तुम पे खर्च किया है सारा पागलपन देते जाना, कि तुम जब भी मेरे रास्ते जाना, मेरा मुझको सब देते जाना, वो सारा जो तुम पे खर्च किया है सारा पागलपन देते जाना, और वो तारों को जो तोड़ तोड़ के तेरे पैरों में बांधा था, कि वो तारों को जो तोड़ तोड़ के तेरे पैरों में बांधा था, वो पायल मेरे माँ के थे, बस उसको वापस देते जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि और सुनिएगा कि एक टूटा हुआ सितारा समझते हो ना मोहब्बत में हारा, कि एक टूटा हुआ सितारा समझते हो ना मोहब्बत में हारा, समझते हो ना तेरे होने पर भी जब छलकते थे आंसू मेरे, कि तेरे होने पर जब छलकते थे आंसू मेरे, तुम अपने बात का नज़ारा समझते हो ना। बहुत बहुत शुक्रिया कि सुनिएगा भैया कि खुदा ने भी मेरे किरदार को लिखा है किसी मतलब से, तुमने भी सिर्फ अपना देखा तो इसमें कोई नई बात नहीं, और तुम्हें बहुत प्यारी है दिखावट की दुनिया तो रखो जाना, कि तुम्हें बहुत प्यारी है दिखावट की दुनिया तो रखो जाना, तुम मेरे मोहब्बत की कीमत चुका पाओ तुम्हारी औकात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे बदन पे निशान बहुत है वाला पढ़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे उसी से ख़त्म करेंगे, अभी पढ़ देते हैं कि मेरे किस्सों से लंबी मेरी कहानी है दोस्त, किसी के इंतजार में गुजरी सारी, हालांकि अभी शुरू ही हुई है लेकिन प्यार के मामले मुझे लगता है अब ख़त्म ही हो गई है। सुनिएगा, हाँ भैया भाई, तो वही है कि मेरे किस्सों से लंबी मेरी कहानी है दोस्त, किसी के इंतजार में गुजरी सारी जवानी है दोस्त, और जिस चोट की खरोच से तुम मोहब्बत से नफरत किए बैठे हो, कि जिस चोट की खरोच से तुम मोहब्बत से नफरत किए बैठे हो, ऐसे जख्मों की मेरे बदन पर कई निशानी है दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया कि सुनिएगा कि एक दिन तेरे आंसू बेमोल होंगे, एक दिन तू भी किसी का तलबगार होगा, एक रोज हम भी रुखसत होंगे तेरे साये से, एक रोज तू भी जहनी बीमार होगा, कि एक रोज तू भी जहनी बीमार होगा, फिर तेरे दस्तरस से आजाद होंगे हम, कि एक दिन तेरे जहन में भी वफाएं होंगी, तेरी चौखट पे पसरेगा सन्नाटा जाना, कि तेरी चौखट पे पसरेगा सन्नाटा जाना, एक दिन तेरे दरमियाँ भी सिर्फ हवाएं होंगी, और तू भी लिपट कर रोएगा खुद से, तू भी लिपट कर रोएगा खुद से, तेरे पास भी मरने की दवाएं होंगी, कि तू भी लिपट कर रोएगा खुद से, तेरे पास भी मरने की दवाएं होंगी, और तू भी खो बैठेगा सब कुछ अपना, एक दिन तेरे भी इससे सिर्फ बद्दुआएं होंगी। और अंतिम सुनिएगा कि मेरी वफा तू अपने बच्चों को सुनाते सुनाते रो पड़ेगा, सुनिएगा कि मेरी वफा तू अपने बच्चों को सुनाते सुनाते रो पड़ेगा, कि किस तरह इस बुजदिल को रस्सी से उतारा गया था, कि मेरी वफा तू अपने बच्चों को सुनाते सुनाते रो पड़ेगा, कि किस तरह इस बुजदिल को रस्सी से उतारा गया था, फिर एक शाम वो तुझसे पूछेंगे माँ इस कहानी में,
फिर एक शाम वो तुझसे पूछेंगे, माँ इस कहानी में लड़का खुद मरा था या उसे मारा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा विषय क्या रहा है, मैंने आज तक अपना कुछ लिखा ही नहीं है, जिसका लिखा हूँ दो लाइन पढ़ता हूँ फिर अपनी जगह लूँगा, कि मैं उसके ख्वाबों के पन्नों को हर बार चुरा के लिख देता हूँ, आदत है कुछ भी लिखने बैठूँ हर बार उसे लिख देता हूँ, कि क्या लिखता हूँ कि उससे मिलकर बिछड़ा कैसे, कैसे हम दोनों अलग हुए, एक सपना कैसे अलग हुआ, कि उससे मिलकर बिछड़ा कैसे, कैसे हम दोनों अलग हुए, एक सपना कैसे कि उससे मिलकर बिछड़ा कैसे, कैसे हम दोनों अलग हुए, कैसे दो दुनिया जुदा हुई, एक सपना कैसे बिछड़ गया। फिर लिखता हूँ एक मोड़ उसे खुद को मंजिल लिख देता हूँ, आदत है कुछ भी लिखने बैठूँ हर बार उसे लिख देता हूँ, कि कैसे आँखों की स्याही से मैंने उस पर अपना प्यार लिखा, कि कैसे आँखों की स्याही से मैंने उस पर अपना प्यार लिखा, बच जाए बुरी नज़र से वो उसके तिल को हर बार लिखा, फिर लिखता हूँ खुद को राम कभी और उसको सीता लिख देता हूँ, आदत है कुछ भी लिखने बैठूँ हर बार उसे लिख देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।